नमस्कार दोस्तों, नेपाल के 3 एयरपोर्ट भारत के होने वाले हैं। ये खबर सुनकर शायद आपको भी झटका लगेगा, लेकिन ये बात कई हद तक सच है। आपको बता दें कि नेपाल के 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का संचालन अब भारत को मिलने वाला है, और ये संचालन भारतीय अरबपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के, आपको बता दें कि नेपाली अधिकारी भारतीय अरबपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइज के शीर्ष अधिकारियों के साथ हवाई अड्डों के प्रबंधन के लिए बातचीत कर रहे हैं। स्पुतनिक इंडिया में आई एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाली सूत्र के हवाले से बताया गया है कि अडानी इंटरप्राइजेस की सहायक कंपनी अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड AAHL के वरिष्ठ अधिकारी नेपाली एजेंसी के निमंत्रण पर काठमांडू में नेपाल के नागरिक उड़ान प्राधिकरण CAAN के साथ प्रारंभिक स्तर की बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये बैठक कुछ महीने पहले ही हुई थी। आपको बता दें कि इसमें वो 2 हवाई अड्डे भी शामिल है जो कि चीन ने निर्मित किए थे, और उन पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है, कर्ज एक तरह से बढ़ता जा रहा है, और वो दोनों पोखरा और गौतम बुद्ध हवाई अड्डे हैं। इन हवाई अड्डों पे लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, और चीनी बैंक कहीं ना कहीं नेपाल से बहुत कर्ज ले रहे हैं, और जितनी फ्लाइट इस पर उतरनी थी वो नहीं उतर रही, और नेपाल को लगातार इन हवाई अड्डे के संचालन से घाटा होता जा रहा है। यहाँ तक कि इसका कर्ज भी नहीं भर पा रही है नेपाली सरकार, क्योंकि इसमें इतना कम फुटफॉल है, और ये स्थिति काफी भयावह है। और अगर अडानी इंटरप्राइजेस इन एयरपोर्ट को संभालती है तो कहीं ना कहीं इस पर फुटफॉल बढ़ाने की कोशिश करेगी, और इसको और इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा निकालने की कोशिश करेगी। आपकी क्या है इस पर राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए NINews भविष्यवाणी।